आज हम हरी मटर कच्चे आलू का एकदम नया नाश्ता बनाने वाले हैं। अगर आप रोज़ रोज़ एक ही नाश्ता खाकर बोर हो गए हों और आपको कुछ नया नाश्ता बनाने का मन हो तो आप इस तरीके से हरी मटर का नाश्ता आसानी से बना सकते हैं। ये एकदम नया नाश्ता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम हरी मटर को पीसेंगे। पहले जार में हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और आधा कप हरी मटर डालेंगे। इसके बाद एक बड़े चम्मच पानी डालकर दरदरा पीस लेते हैं। धनिया मटर को हमने इस तरह से दरदरा पीस लिया है। अब इसको हम पकाएंगे। चलते हैं गैस की तरफ। कढ़ाई में हम डालेंगे एक कप पानी। इसके बाद डालेंगे आधी छोटी चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च, एक चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, एक चम्मच कद्दूकस किया हुआ लहसुन, आधी छोटी चम्मच सब्जी मसाला डालेंगे, आधी छोटी चम्मच जीरा डाल देते हैं। इसके बाद स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और एक बड़े चम्मच तेल डालेंगे। सारे चीज़ों को हम पानी में अच्छे से मिला लेते हैं। सारे चीज़ों को मिलाने के बाद अब इसमें हम पिसा हुआ हरा मटर और धनिया को डालेंगे और इसी में एक कद्दूकस किया हुआ कच्चा आलू डालेंगे। इसे भी अच्छे से मिला लेते हैं। लगभग एक चौथाई कप पानी और डालकर मिलाएंगे। अब इसको हम एक उबाल आने तक पहले पकने देते हैं। गैस को हमने मीडियम में किया है। इसको पहले हम मीडियम आंच पर उबालेंगे। अब आप देख सकते हैं ये अच्छे से उबल रहा है। अब इसमें हम चावल का आटा डालकर मिलाएंगे। यहाँ पर हमने एक कप चावल का आटा लिया है, तो पहले आधा आटा डालकर हम मिला लेते हैं जिससे इसमें गुठली न बने। अब जो आटा बचा है इसको भी हम डाल देते हैं। आटे को हम धीमी आंच पर मिलाते हुए पकाएंगे। इसको हमें तब तक पकाना है जब तक आटा पूरी तरह से पानी को सोख न ले। इसको हमें डो जैसा बनाना है, लेकिन गैस को हम तेज नहीं करेंगे, इसे धीमी आंच पर पकाएंगे जिससे इसमें आटा अच्छे से पककर डो बन जाए। आटे को हमने अच्छे से मिलाकर पका लिया है। आप देख सकते हैं आटा पूरी तरह से पानी को सोख लिया है। अब गैस को हम बंद करेंगे। अब इसको हम इसी तरह 5 मिनट के लिए ढककर रखेंगे जिससे मिश्रण अच्छे से सेट हो जाए। लगभग 5 मिनट बाद ढक्कन हटाकर इसे हम देख लेते हैं। अब ये मिश्रण पूरी तरह से तैयार है, अच्छे से फूल गया है। अब इसको हम जमाकर सेट करेंगे। मिश्रण को हम इसी पर जमाएंगे, तो पहले इस पर तेल लगाकर चिकना करेंगे। अब इस पर हम पूरे मिश्रण को रखकर सेट करेंगे। इसको हम एक बराबर बर्फी जैसा जमाकर सेट कर देते हैं। तो पहले इसको हम हाथ से दाबते हुए फैला देते हैं। इसको हम थोड़ा मोटा जमाएंगे, बहुत पतला नहीं करेंगे। सेट करने के बाद अब इसके ऊपर से हम बेलन चलाकर चिकना करेंगे। बेलन चलाने से एकदम एक लेवल में हो जाएगा, कहीं से ये मोटा पतला नहीं रहेगा। अब इसको हम चाकू से छोटे छोटे पीस में काटेंगे। वैसे आप चाहें बिना काटे इस नाश्ते को हाथ से बना सकते हैं, यानी कि आप इसे टिक्की के आकार में बना सकते हैं या फिर गोले आकार में बना सकते हैं। जैसा आपको पसंद है वैसा आप बना सकते हैं। अब इसको हम बर्फी के आकार में काटेंगे। नाश्ते को हमने इस तरह से बर्फी जैसा काट लिया है। काटने के बाद आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम साफ बढ़िया पीस निकले हैं। अब नाश्ते को हम तेल में तलकर दिखाते हैं। नाश्ते को फ्राई करने के लिए यहाँ पर हमने तेल अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इसमें हम नाश्ते को डालकर तलेंगे। पैन में जितना जगह है एक बार में हम उतना नाश्ता डाल देते हैं। अभी इसको हम पलटेंगे नहीं, पहले एक तरफ से फ्राई होने देते हैं। अब एक तरफ से फ्राई हो गए हैं तो इसे हम दूसरी तरफ पलटेंगे। गैस को हमने मीडियम में रखा है, इसको हम मीडियम आंच पर तल रहे हैं क्योंकि मीडियम आंच पर ये अंदर तक अच्छे से पक जाएंगे और ऊपर से करारे बनेंगे। इस नाश्ते को फ्राई करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, ये जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। इसको बार बार पलटने की ज़रूरत नहीं है। एक तरफ से फ्राई हो जाए तो इसे दूसरी तरफ पलट दें। अब ये नाश्ते सुनहरे रंग में फ्राई हो गए हैं, तो अब इसको हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से जो बचे हुए हैं उसको भी हम तलेंगे।
हरी मटर का यह नाश्ता खाने में बहुत बढ़िया लगता है और बनाना भी आसान है। जब आपको नाश्ते में कुछ न समझ में आ रहा हो तो आप इस तरह से हरी मटर का नाश्ता तुरंत बना सकते हैं। ये भी फ्राई हो गए हैं तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। पूरे नाश्ते को हमने फ्राई कर लिया है, अब गैस को बंद करेंगे। आप देख सकते हैं एक क्रिस्पी करारे हरी मटर का नाश्ता बनकर तैयार है। ऊपर से ये बहुत क्रिस्पी बने हैं और दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। एक पीस हम तोड़कर दिखाते हैं। तोड़ने से आपको पता चल रहा होगा कितना कुरकुरा बना है। इसके लिए हमने यहाँ पर चटनी बनाया है। ये चटनी हमने टमाटर मूँगफली पकाकर बनाया है, लेकिन आप चाहें तो इसे टोमेटो केचप के साथ भी खा सकते हैं। आप इस तरह से हरी मटर का नाश्ता घर पर ज़रूर बनाएं, ये आपको बहुत पसंद आएगा।